हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नामिका। और अभी मैं देखिए हमारे ही ऑफिस में जो है अजफर कैंपस में है मेडिकल यूनिट में, वहाँ पे जा रही हूँ क्योंकि आज वहाँ पे लगा है फ्री चेकअप कैंप जिसमें शुगर, बीपी और आइस का चेकअप होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ रास्ते में। और देखिए ये मैंने आते समय मैं हमारे जो है क्यारी से, गार्डन से अमरूद लेकर के आई थी, तो मैं चलते चलते खा रही हूँ। मैं देखते भी जा रही हूँ कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। और देखिए आज सूरज देवता बहुत ही मेहरबान है, बहुत तेज़ धूप के लिए जिस तरह गर्मी में निकलती ना उस तरह की। तो चले चलते हैं। देखिए मुझे तो चलने की वजह से हाँपना भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए मैं बहुत स्पीड से लगी थी काम खत्म करने में, और फटाफट मैंने काम ख़त्म किया और मैं पहुँच रही हूँ अभी मेडिकल यूनिट में। चलिए कराते हैं अपना चेकअप। मैं अभी अपना चेकअप करा के घर आ चुकी और देखिए इस रिपोर्ट में क्या आया है। क्या है ना, मैं चेकअप कराने नहीं जा रही थी, मुझे इन चेकअप के नाम से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। अब पहले नहीं लगता था मुझे, पर अब लगने लगा है। एक्चुअली क्या था, मैं नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि लास्ट मंथ मैंने शुगर कराया था और बीपी तो मैं घर पे मेजरमेंट करते ही रहती हूँ अपना, बजा था आई, तो आई की वजह से मुझे लगा कि थोड़ा मुझे जाना चाहिए क्योंकि लाइट को देख करके मुझे पहले से थोड़ा सा मतलब आँखों में पानी सा आता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आई का चेकअप करा लिया जाए। पर यह है ना, इनके सामने किसी की चलती नहीं, चलना है तो मैं तो फटाफट मैंने घर के काम निपटा और मैं पहुंच गई चेकअप कराने के लिए। पर क्या ना, ब्लड प्रेशर के नाम से ही मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर एक चीज़ होती है कि वो ऑटोमेटिक प्रेशर देता है आपको। तो सुबह से मुझे लग रहा था कि आज मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा ज़्यादा आएगा, तो इसलिए आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और कुछ हैप्पी भी थी। और वहाँ जाने के बाद कुछ पुराने स्टाफ हैं जिनको देख करके और जिनसे बातें करके एकदम माहौल बहुत अच्छा हो गया, तो मेरा बीपी नॉर्मल ही आया। 141 पहले आया, फिर अगेन चेक किया तो 135 आया, तो बीपी मेरा नॉर्मल था। शुगर मैंने नहीं कराया क्योंकि मुझे नीडल से लगता है बहुत ज़्यादा डर, तो शुगर का चेक। तो इन सारे टेस्ट के अलावा मैंने अपना वेट भी मेजरमेंट किया। मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ा मेरा वेट जो है बढ़ गया होगा, यानी कि 55 तो अप्रॉक्स होगा ही, पर नहीं, जब मेजरमेंट किया तो मेरा वज़न पता है कितना है, मेरा वज़न जो है 50 kg। मैं तो खुशी के मारे, और मेरा 1 किलो वज़न कम हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि कुछ दिनों से कह रहे थे तुम्हारा पेट बाहर निकल रहा है, तो थोड़ी मैं तो हेल्दी सी लग रही हूँ, तो मैं पता बड़ा सोच रही थी कि यार पता नहीं अपने आप वज़न कैसे बढ़ गया। पर वहाँ जब मैंने मेजरमेंट किया तो 50 kg, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई, लगता कि क्या बताऊँ। ऐसा लगा चलो ठीक है, मेरा अभी वेट अभी नॉर्मल है, इसे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज है हॉलीडे, यानी कि सैटरडे है, तो सैटरडे को रहता है हॉलीडे, और हॉलीडे के दिन जो है काम की कमी नहीं होती। तो आज हम छुट्टी के दिन हमेशा क्या करते, इनसे काम की शुरुआत करते हैं क्योंकि छुट्टी के दिन तो बहुत सारे काम होते हैं और काफ़ी देर तक चलेंगे आज काम। तो हम आपको आगे के ब्लॉग में दिखाते हैं कि ये कौन से काम करते हैं। ये हमेशा इस तरह के काम करते हैं, इनके काम में कभी कटौती नहीं हो सकती, कमी नहीं हो सकती, बल्कि और नए नए काम ऐड होते जाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि आज ये कौन से काम करते हैं। और इधर गाड़ी की धुलाई चल रही है, और इसी क्रम में बारी आती है स्तुति की साइकिल की, और इधर झाड़ू लगाई जा रही है। देखिए संडे के दिन गाड़ी की साफ सफाई, इसी क्रम में चल रही है धुलाई कार के कवर की। और आज ब्रेकफास्ट में बना था वेज एनवेलोप, और यहाँ पर मैं कुछ सब्जी लेकर के बैठी हूँ जिसमें मैंने लिया है मटर और सेम, तो इसमें मैं छील रही हूँ मटर और सेम की कर रही हूँ मैं सफाई। साथ में पैरोट मांग रहा है यहाँ पर मुझसे मटर, पैरोट को खाना है मटर, मेरी को खाना है मटर, खाना है ना मटर, बोलो जल्दी से, हाँ या ना। फिलहाल मैंने यहाँ पे नहा लिया है और इनके तो कामों की जो लिस्ट है वो चल ही रही है, अंदर के काम की भी, जैसे है वॉश बेसिन साफ करनी, बाथरूम साफ करनी, बाल्टियाँ हैं, जगह, स्लीपर्स, ये तो इनका चलते रहेगा। पहले मैंने नहा लिया है, अब पूजा करके मैं कुछ लंच का काम बाकी है तो मैं चले निपटाती हूँ। अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच में बनेगा आज जो है ये चने का साग, जो मैं इस कढ़ाई में बनाऊंगी, और इसमें बन रहा है सेम आलू की सब्जी, और यहाँ पे मैंने चढ़ाया है चावल, और इसके बाद बनेगा ज्वार की 2 से 3 रोटियाँ। तो चलिए पहले लंच तैयार करते हैं। तो तड़का जो है थोड़ा सा भुन चुका है, अब हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं प्लेट को। मैंने डाल दिया है तवे पर ज्वार की रोटी, तो जनरली मेरे पास मिट्टी का भी तवा है पर मैं लोहे के तवे में ही बनाती हूँ, तो लोहे के तवा में थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ता है।
है कि आप जब भी मक्के या ज्वार की रोटी बना रहे हैं तो तवे को पहले प्री हीट ना करें। प्री हीट करने से जैसे गर्म रहेगा तो आप डालेंगे तो रोटियां चलने लग जाएगी। इसे हल्का गर्म करके फिर आप रोटियां उस पर डाल दें तो तवा भी गर्म होते रहेगा और आपकी रोटियां भी पकती रहेगी। तो चलिए बना लेते हैं हम ज्वार की रोटी। और हमारा लंच रेडी है। लंच में बनाए हैं चावल और ये है सेम आलू की सब्जी, साथ में ये चने का साग और ये है ज्वार की रोटी। तो चलिए करते हैं लंच और यहीं अपने ब्लॉग को करते हैं एंड और एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं।